हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिंपल तलाटी, श्रेया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। हर भोर में हो जिनेश्वर का मंगलमय दर्शन, हर भोर में हो जिनेश्वर का मंगलमय दर्शन, हर दिन हो मुनिराजों का मंगलमल पड़गाहन, हर प्रहर हो तत्वों का चिंतन मनन, हर पल हो निजात्मा का आत्मदर्शन, मिट जाए भाव भाव का क्रंदन, यही है सच्चा रक्षाबंधन, यही है सच्चा रक्षाबंधन। आत्मार्थियों, राखी डोरा सूत का बस इतना ही सार, मिलजुल करके बढ़ चलो मोक्ष महल के द्वार। विष्णु कुमार मुनिराज का यह कथानक इतना फेमस है कि वैष्णव शास्त्रों में भी उन्हें विष्णु का अवतार मान करके बलि के नाम से एक कथा प्रचलित है। देश में उनके द्वारा किया गया उपक्रम रक्षाबंधन के रूप में माना जाता है, मनाया जाता है। इसके साथ सैकड़ों कहानियां जुड़ गईं। मल्लीनाथ भगवान के समय में जो घटना घटी थी, चक्रवर्ती महापद्म के काल में उनके पुत्र के समय में एक पुत्र रहता है राजा और दूसरा पुत्र होता है मुनि विष्णु कुमार। पद्मराज कर रहे होते हैं विष्णु, मुनि बन के तप कर रहे होते हैं पिता, महापद्म मोक्ष चले गए होते हैं, और तप की ये घटना श्रमणों के इतिहास में, श्रमण संस्कृति के इतिहास में उन अमिट अक्षरों में लिखी गई कि इस घटना से जोड़ करके सैकड़ों कहानियां बनी, सैकड़ों महापुरुष जुड़ते गए, और इस समय बांधने वाला धागा का महत्व भी इतना हो गया कि यदि कोई हिंदू रानी मुसलमान को भी धागा बांध दे तो भाई बहन का रिश्ता कहलाया। रक्षाबंधन के रूप में इतना फेमस हो गया ये पर्व कि आज पूरे देश में इसे मनाया जाता है। लेकिन इस कथा में जो पात्र आए हैं, आप उनके चरित्र को देखिए, सुपरहिट फिल्म से कम नहीं है। एक एक पात्र अपने आप में परिपूर्ण है। शुरुआत कहां से होती है? उज्जैन से, जहां आज संस्कृति का विशाल केंद्र निर्मित है, जहां अनेक जैन कथाएं जुड़ी हुई हैं, और जिस वक्त की ये बात है वहां उस समय राजा हैं श्री वर्मा। गजब की बात है, अरहनाथ तीर्थंकर अभी होकर के गए हैं, मल्लीनाथ तीर्थंकर हो रहे हैं, महापद्म चक्रवर्ती पूरे चक्र रत्न के प्रभाव से देश भर में जिन शासन का ध्वज लहरा करके आए हैं, थोड़े से ही साल बीते हैं कि लोगों के सिर इतने फिर गए कि प्रतापी धर्मात्मा राजा श्री वर्मा के चारों मंत्री भी दकियानुसी विचारधारा की कट्टरपंथी निकले। और जब एक सुबह सारे लोग मुनिराजों के दर्शन को जा रहे हैं, उस वक्त राजा कहता है हम भी जाएंगे, तैयारी की जाए। तैयारियां होती हैं, राजा भी दर्शन को पहुंचते हैं, और देखा कि सारे मुनिराज मौन है, ध्यान है, उनके चेहरे आनंद से दैदिप्यमान हो रहे हैं। अरे मुनियों की मुद्रा तो देखो, चलते फिरते तीर्थंकरों का रूप दिखाने वाले मुनिराज, और इनकी मुद्रा ही संदेश देती है कि जितनी जितनी आसक्ति होगी उतना उतना दुख होगा, और जितना जितना त्याग होगा उतना उतना आनंद होगा।
राजा एक एक मुनि की मुद्रा देखता, नमस्कार करता। और जैसे आपने 700 श्रीफल एक एक मुनिराज के चरणों में चढ़ाए हैं, सम्राट ने भी प्रत्येक मुनिराज के चरणों में अमूल्य सामग्री अर्पित की और दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। राजा का विनय देख देख करके श्रावक तो प्रसन्न होते, मुनिराज ध्यान में विराजे रहते और मंत्री कुड़ते रहते। राजा कितने भक्ति से नमन कर रहा, ये कोई नमस्कार के लायक लोग हैं क्या? यानी जिनको मुनि का अंतरंग पता नहीं है, उन्हें उनकी बाहर की मुद्रा ही अकेली दिखाई देती है और कई बार इस मुद्रा को देख करके लोग उन्हें हीन समझ लेते हैं, दरिद्र समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दरिद्र तो वो है जिसने अपने आत्मा के अनंत गुणों को धूल में मिला दिया। मुनिराज तो अपने आत्म गुणों के वैभव से चमक रहे हैं, उनसे बड़ा और अमीर कौन है? रहा ना गया, बलि पोल पड़ा। चार चार मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, नमुचि, प्रहलाद। बोल पड़ा, महाराज इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए हम लोगों को देख करके सब चुपचाप बन के बैठ गए हैं। राजा ने इशारा किया, चुप रहिए, मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, सब आत्म तत्व के रूप में लीन हैं। महाराज ने कोई ध्यान व्यान नहीं आता है, इनकी अकड़ तो देखो, सम्राट नमस्कार कर रहा है और इनसे हाथ उठा के आशीर्वाद देते भी नहीं बनता। सम्राट ने फिर इशारा किया, चुप रहो, संतों और साधकों के महत्व को तुम्हें समझने में क्या अड़चन है? उन्होंने कहा, आपकी जैसी मर्जी। और बड़बड़ाते हुए निकल गए। देखो सम्राट वंदन कर रहा है और उसके अनुचर इतरा रहे हैं। धर्म द्वेष का जहर जब हृदय में होता है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु भी दुश्मन मालूम पड़ते हैं। और जब धर्म का बीज हृदय में अंकुरित होता है, एक सादे से मुनिराज, सादे से छुल्लक भी वंदनीय मालूम पड़ते हैं, उनकी सेवा में भी जुट जाते हैं। अपनी संपन्नता एक तरफ रख करके नंगे पांव मुनिराज के साथ चलने वाले श्रावक भी आपको मिल जाएंगे और अकड़ू लोग भी ढेरों मिल जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि संघ में क्या हुआ है। आचार्य अकंपन ज्ञानी थे और उन्होंने संबोधित किया था कि देखिए, शहर के जो इस राज्य के जो मंत्री वगैरह हैं बराबर नहीं हैं, इसलिए हम सभी साधक मौन रहेंगे, ध्यान करेंगे। सम्राट बड़े धर्मात्मा हैं, वो नमस्कार करेंगे तब भी हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमारा जरा सा एक्शन करना, जरा सा क्रिया करना भी शायद विद्वेषी लोगों के लिए बुरा लग सकता है। और मुनिराज निकलते, मुनिराजों के दर्शन करते हुए राजा निकल गए। रथ में सवार होकर सवारी चल दी वापिस राज की तरफ। एक बात तो ये निश्चित है कि मुनिराज नगर के बाहर उपवन में विराजे हैं, और इसका मतलब है कि मुनिराज घोर जंगल में ध्यान करें सो करें, लेकिन कभी कदाचित वो नगर नगर के उद्यान में भी ध्यान करते हैं, जनता को भी धर्म का लाभ देते। दिल्ली का सौभाग्य है कि दिल्ली के उपवन में पूरा बगीचा ही तो है। इस उपवन में विशाल संघ का आगमन हुआ। दिल्ली का योग है कि एक साथ 50-50 साधुओं का वर्षा योग है। सौभाग्यशालियों, श्रुत सागर मुनिराज को नहीं पता था, चरिया करके वापस चले आ रहे थे। उन्हें देख करके मंत्रियों के मुंह से वो गंदे शब्द निकले, वो चला आ रहा है, एक बैल चला। राजा ने सुना तो जैसे उनके कानों में शीशा डाल दिया हो। मुनि को बैल बोलते हैं दुष्ट लोग। कुछ नहीं कहा, क्योंकि मंत्रियों के बिना राज नहीं चलता।
चुप रह गए एक बार। फिर पास में आए थोड़े तो और कहने लगे, तक्र पीतो यम, छाछ पी रखी इसने, मट्ठा पी रखा, एक तरह की गाली है, ज्यादा जब मट्ठा पी लेते हैं तो एक तरह का नशा टाइप का आता है। तो तपस्वी सम्राट की बात अलग है, केवल छाछ पानी पर भी 10 साल गजब का तप करके दिखाया। प्रमादी नहीं होते थे, धर्म ध्यान करते थे। मुनिराज तो चुप रहे, राजा ने आंखें तरीर के मंत्रियों को देखा कि शर्म नहीं आती है, कुछ नहीं कह रहे हैं फिर भी तुम। तब भी उन्होंने वाद विवाद चालू कर दिया, थोड़ी देर तो सुनते रहे मुनिराज। बाद में उन्होंने जब उसका समाधान किया, तर्क का वितर्क किया, तो उनके मुंह बंद हो गए। कुछ उत्तर नहीं सूझा। सम्राट को समझ में आ गई कि हमारे मंत्रियों की हैसियत कितनी है। दुष्ट बड़बड़ बहुत करते हैं, लेकिन मुनिराज के एक उत्तर के सामने सब पस्त पड़ गए, एक समझाइश के सामने मुंह बंद हो गए इनके। मुनि अपने आगे बढ़ गए, उन्होंने रंजिश मान ली, प्रतिशोध लेने की भावना ठान ली। पूरी कहानी देखिए, सीखिए, इससे मालूम करिए। जब अकंपन आचार्य के चरणों में जाकर के उन्होंने अपनी बात कही, तो अकंपन आचार्य सिर्फ इतना बोले, श्रुत सागर है तुम्हारा नाम, तुम्हें पता होना चाहिए कि रास्ते चलते किसी से बात नहीं करना पड़ती। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी क्या आज्ञा है, लेकिन श्रुत सागर को मालूम तो होना चाहिए कि संघ का अनुशासन क्या है। उन्होंने कहा, जो आज्ञा दें आप, वो प्रायश्चित करने को तैयार हूं। आचार्य महाराज ने अपने प्रिय शिष्य को वो कठिन आज्ञा दी। देखिए अकंपन आचार्य का अनुशासन, एक संघ में, एक परिवार में कैसा अनुशासन होता है, एक शिष्य किस तरफ से गुरु आज्ञा में चलता है। और उन्होंने इशारे पर वो वहीं जाके खड़े हो गए जहां उनसे चर्चा हुई। गुरु महाराज ने कहा कि वत्स, वहीं जाके खड़े हो जाओ, वो अगर संघ को मारने के लिए आएंगे, तुम्हें वहीं पा करके शायद संघ की रक्षा हो जाएगी। निमित्त ज्ञान से जैसा जैसा उन्हें समझा, वैसा वैसा उन्हें समझा दिया। देखो, प्राणों की बाजी लगा करके भी गुरु की आज्ञा मानने को तत्पर वहीं जाके खड़े हो गए। पूरी कहानी, पूरी कथा खूब गंभीर है। एक एक कैरेक्टर, एक एक चरित्र, एक एक पात्र बहुत सारी बातें सिखाता है। गुरु कैसा हो, अकंपन, कैसी भी परिस्थितियां हो तो भी धर्म मार्ग से कंपन नहीं होना चाहिए। शिष्य के प्रति इतना बात्सल्य है, फिर भी भविष्य को नाप करके, समझ करके उनने जो आज्ञा दी, इतनी कठिन आज्ञा दी, और शिष्य जो आज्ञा दी उसको भली भांति स्वीकार किया। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। जब कोई बड़ा पुण्यात्मा परिवार से चला जाता है ना, तो कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पिता के बाद पद्म भी प्रतापी सम्राट हैं, लेकिन एक सिंहरथ नाम का राजा जो था, वो उन्हें तंग करता रहता था। ऐसे ही तंग करता रहता था जैसे भारत को पाकिस्तान करता रहता। और इन चालाकी से इन चारों मंत्रियों ने उसको पकड़ करके पद्म के सामने हाजिर कर दिया। पद्म खुश हो गए, लो वरदान मांग लो, वरदान हम समय पर लेंगे, स्वीकार है, हम जब कहेंगे तब हमें आप दे दीजिए 7 दिन का राज। बहुत जल्दी खुश होकर के वरदान नहीं दे देना, और बड़ी थोड़ी सी नाराजी में अभिशाप भी नहीं दे देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती। और जब मुनि संघ वहां भी राजा, तो बदला लेने के लिए बलि ने 7 दिन का राज मांग लिया। अब हम 7 दिन के राजा और आप जाओ रानीवास, रानियों के साथ रहो, राज से आपका कोई लेना देना नहीं। वो फिर जो भयंकर किस्सा बनाओ सबके सामने, सब तरफ से बाढ़ लगा दी गई, उद्यान को यज्ञ भूमि बना दिया गया, धुआं उड़ने लगा,
बदबू आने लगी, सड़ी गली चीजों का भी यज्ञ और हवन होने लगा। उन्हें यज्ञ हवन से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ मुनियों को तंग करना, उनकी सांसें रुध जाएं और बेमौत मर जाएं। क्यों? खुद मारने गए थे तो देवताओं ने दुर्गति कर दी, लेकिन बदला तो लेना है। ऐसा कुछ करो कि खुद ही तड़प तड़प के मर जाएं। और इसलिए ऐसा खतरनाक धुआं किया। सच में मुनियों का धैर्य देखे, जैसे अकंपन आचार्य है ऐसे उनके अकंपन मुनिराज। कोई मुनिराज नहीं कंपित हुए, कोई मुनिराज नहीं भागे। यहाँ बहुत मच्छर हैं, हम दूसरी कॉलोनी में चले जाएंगे। एक बार आजकल तो कोई सोच भी सकते हैं कि हाँ बहुत परेशानी है, हम और कहीं चले जाएंगे। लेकिन वो मुनिराज स्थिर बैठे रहे और उस तरफ मथुरा नगरी में सारचंद्र नाम के मुनिराज ने, जो उस समय के सबसे बड़े खगोल विज्ञानी हैं, ज्योतिर्विज्ञानी हैं, रात्रि में श्रवण नक्षत्र को कंपित होता हुआ देख करके उन्हें पहचान थी कि कौन सा नक्षत्र कौन सा है, कौन सा किस दिशा में उदित होता है, कहाँ अस्त होता है। और नक्षत्र को देख करके उन्होंने कहा हाय, कष्ट चींक भरी आवाज उनकी सुन करके जो वहां चुल्लक जी विराजमान थे, उनने कहा गुरुदेव आपके मुख से चीख क्यों निकली, हाय क्यों निकली, आवाज क्यों निकली, तकलीफ क्या है आपको, दिक्कत क्या है? आप तो ऐसे मुनि हैं कि आप पर उपसर्ग हो तो भी आप आवाज ना करें, फिर क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कहीं मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, श्रवण नक्षत्र देख करके निमित्त ज्ञान लगाया कहां हो रहा है। उन्होंने फिर ज्ञान जोड़ा, बताया हस्तनापुर में अकंपन आदि 700 मुनि रोजा पर कैसे निवारण होगा। एक ही उपाय है, सिर्फ विष्णु कुमार मुनिराज जिनको विक्र रिद्धि सिद्ध है, अपनी रिद्धि के बल पर वो कुछ करें तो संभव है उपसर्ग का निवारण हो, वरना आज वो सत्ता में है, राजा बन के बैठा है। और राजा बन के बैठ करके सत्ता में आने के बाद आदमी कुछ भी उपद्रव करे रोकने वाला कोई नहीं होता। या तो विक्रिया रिद्धि संपन्न मुनिराज विष्णु कुमार आगे आवे, वे धरणी धर पद पर ध्यान में बैठे हैं, कौन उन्हें बताए। सुल्लक ने हाथ जोड़ के कहा भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मैंने सारी विद्याएं छोड़ दी, मैंने अपना राजपाट छोड़ा, लेकिन आपकी आज्ञा से मैंने केवल एक विद्या अपने पास रखी है, आकाश में मैं उड़ सकता हूं। मैं आकाशगामिनी विद्या से जाकर के अभी हाल निवेदन करता हूं और मुनि राजों के उपसर्ग दूर करने के लिए उनसे आग्रह करता हूं। धरणीधर पर्वत पर विद्याधर चुल्लक तुरंत पहुंचे। मुनिराज आधी रात को भी ध्यान में विराजे थे। निवेदन किया, नमस्कार किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिंपल तलाटी, श्रेया मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।